भी क्रिएट करने का मेथड बताऊंगा, जिसमें कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ के आप फ्री में आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना रूम ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है कोलैब आरडीपी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये सर्च हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहले जो वेबसाइट आएगी उसे आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसका कंप्लीट मेथड बता देता हूँ अभी। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कोलैब आरडीपी रिमूव डेस्कटॉप टू कोलैब इंस्टेंस। नीचे आते हैं, यहाँ से यहाँ पर क्रिएट यूज़र का आ जाता है, उसके बाद आरडीपी का आ जाता है। तो हम यहाँ पर आरडीपी पर क्लिक करेंगे और इसका ये यहाँ पर आपने सीआरपी पहले देना है लाजमी और अपनी पिन कंप्लीट करनी है। यहाँ तक पिन नहीं छोड़नी, पिन इससे ज़्यादा लिखनी है लाजमी है, इसे चेंज लाजमी करना है। तो इस वक्त मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएँगे तो आपके पास क्रिएट यूज़र होगा ओनली, तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ को छेड़े बगैर, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक आरडीपी का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर ये आरडीपी का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं अब इसका यहाँ पर सीआरपी पुट करता हूँ बैगिन। यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने वही लिंक ओपन किया है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसके बाद ऑथराइज। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पर तीन किस्म की आरडीपीज आ चुकी हैं। अब आप जो चाहें यहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं। मैं डेबियन लिनक्स यूज़ करना चाहता हूँ तो वो यूज़ कर रहा हूँ। ये कॉपी कर लिया मैंने और स्टार्ट अगेन कर दूँगा। यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो चुका है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसका काम अब हो गया ख़त्म। इसे डिलीट कर दें और यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वार्निंग है, इसे कंटिन्यू एनीवे कर दें और रन एनीवे। तो यहाँ पर ये मेरी आरडीपी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसी दौरान हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एसएसएच का ऑप्शन है, इसे हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। यहाँ पर एसएसएच जो देना है आपने वो एनग्रॉक का देना है, यानी कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अभी ये आरडीपी क्रिएट हो रही है। उतनी देर हम एनग्रॉक की तरफ आ जाते हैं। एनग्रॉक जैसा कि मैं कुछ वीडियोस पहले बना चुका हूँ, एनग्रॉक का कंप्लीट अकाउंट और कंफर्मेशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो वही सारी चीज़ें सिंपल, वही चीज़ें अगर आपको नहीं पता एनग्रॉक का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मेरा एनग्रॉक का अकाउंट आ चुका है और यहाँ पर आरडीपी भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर ये बन गई है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से एसएसएच ऐड कर सकते हैं इसका और इसमें काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। खुदा हाफिज़।